दुर्यापार क्षेत्र में 1500 एकड़ जमीन में जेवर एयरपोर्ट की तरह किसानों से जमीन लेकर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार करने की योजना तैयार की गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांडे ने बताया कि गोरखपुर को ग्रीन फील्ड पर्यावरणीय विशेषता लिए हुए एयरपोर्ट का तोहफा मिल सकता है। दुर्यापार क्षेत्र में 1500 से 1600 एकड़ जमीन तलाशने का काम पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि हाल ही में गीडा ने दुर्यापार में 5500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 18 गांवों से जमीनें ली जाएंगी। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कहा कि गोरखपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में दिल्ली और मुंबई के लिए 3-3 समेत 9 उड़ानें हो रही हैं। हैदराबाद, कोलकाता, प्रयागराज के लिए 1-1 उड़ान होती है। ऐसे में गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट छोटा पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कहा, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा एक्सपैंड हुआ है। पहले तो एक ही फ्लाइट चलती थी गोरखपुर से दिल्ली, उसके बाद अभी इस समय में देखेंगे 4 फ्लाइट दिल्ली का है, 2 मुंबई का है, 1 कलकत्ता का है, 1 इलाहाबाद का है। इसी टाइप का लगभग 9 फ्लाइट चल रही है एंड डिमांड इतने हैं पूर्वांचल का, बढ़ती जा रही है। हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं और समय नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हमारा एयरपोर्ट तो यहाँ एयरफोर्स के अंदर चलता है, एयरफोर्स का अपने ही सुरक्षा का और सुविधा का रिस्ट्रिक्शन रहता है। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग का मार्गदर्शन मिला है और इसके ग्रीन फील्ड में एक्सपैंड करेंगे और ये अच्छा चलेगा और 20-25 पर डे कनेक्टिविटी के हिसाब से और बेहतर करा सकते हैं। और साथ साथ यहाँ एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, उसके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। उसके वैसे हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, उसके साथ साथ यदि एयरपोर्ट भी बन जाएगा वो आने वाले इंडस्ट्री लोग का भी एक बढ़ावा देगा, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसी दिशा पे हम लोग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अभी प्रोजेक्ट का तलाशी में है और लैंड लगभग फाइनल कर दिए, और आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे उसी दिशा पे हम आगे बढ़ेंगे।